बसपा सुप्रीमो कोविड नियमों का पालन करते हुए रैली बुलाई है। आखिरकार माया ने भी मैदान में आने की घोषणा कर दी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है और अब मायावती भी 2 फरवरी को आगरा में रैली करेंगे, आगरा में जनसभा करेंगे। बसपा सुप्रीमो कोविड नियमों का पालन करते हुए रैली बुलाई गई। आखिरकार अब मायावती भी बाकी दलों की तरह अब वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। पहले अक्सर वो अपने जो बयान है वो ट्वीट करती रही हैं, मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, लेकिन अब चुनावी मैदान में वो कूद चुकी हैं। आखिरकार मायावती भी अब रैली करेंगी और इसको लेकर जानकारी दी गई सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से। 2 फरवरी को मायावती की आगरा में रैली है, आगरा में जनसभा करेंगी बसपा सुप्रीमो। कोविड नियमों का पालन करते हुए इस रैली को बुलाया गया है। आखिरकार मायावती भी अब बाकी दलों की तरह चुनावी मैदान में उतरती और रैली करती नजर आएंगी। देर आए लेकिन दुरुस्त आए कह सकते हैं इसे हम, जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी और सपा लगातार रैलियां कर रही है, उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए लगातार बातचीत कर रही है, जनसंपर्क करने की कोशिश लोगों से की जा रही, तो वहीं मायावती भी अब इसी को देखते हुए वो भी अब 2 फरवरी को आगरा में रैली करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा सुप्रीमो कोविड नियमों का पालन करते हुए इस रैली को बुलाया है और आखिरकार अब मायावती भी रैली के जरिए अपनी पार्टी के लिए वोट बटोरती नजर आएंगी। एक तरफ बीजेपी बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी भी अब यहां पर चुनाव प्रचार करती दिख रही है, लेकिन ये ट्वीट किया है सतीश चंद्र मिश्रा ने, उन्होंने लिखा कि अवगत कराना है कि 2 फरवरी 2022 को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगी। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, कहीं मायावती को देर तो नहीं हो गई, अब रैली कर रही वो जहां पहले से तैयारियां बाकी दल कर रहे थे? इस समय देखिए शिवांगी, ये बड़ी खबर है कि बसपा की सुप्रीमो मायावती आगरा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। जी, चुनाव आयोग ने कहा कि 300 आदमियों की अधिकतम रैली में अनुमति दी गई है और कोविड नियमों का पालन करना होगा। जी, मायावती ने आगरा से इसकी शुरुआत वो करने जा रही है पहले चरण में। हाँ, तो वो अभी तक तो वो ना रोड शो कर पाई थी ना कोई रैली कर पाई थी। सतीश चंद्र मिश्रा पूरे प्रदेश में घूम रहे थे जी, लेकिन अब मायावती भी निकलने जा रही है और सारी पार्टियों के नेता, बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए और अखिलेश यादव को, तो अधिकतम रैलियां प्रतिबंधित थी अभी तक जब से चुनाव का ऐलान हुआ है। तो कुछ नेता पहले घूम चुके थे, कुछ रैलियां कर चुके थे, रोड शो कर चुके थे जी, लेकिन अब ये चूंकि चुनावी दौर आ गया तो चुनाव आयोग ने जब अनुमति दी है तो मायावती ने पहली रैली का अपने आज ये ऐलान कर दिया है जी, कि वो आगरा में 2 फरवरी को बीएसपी की पहली रैली करेंगी और उसकी जगह और समय अभी तय नहीं है, लेकिन आगरा जिले का उन्होंने नाम तय कर दिया है, वहां पर वो वहीं से संबोधित करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर में प्रथम चरण के नेताओं को, वहाँ कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर जहाँ पर बसपा ये जानती है कि अगर वोटर को लुभाना है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी जाना जरूरी है और शायद यही सोच के मायावती जनता के बीच होंगी, संबोधित करेंगी, लेकिन इसका फायदा क्या मिलेगा? देखिए एक चीज अभी तक ये चल रही थी कि और पार्टियों में वर्चुअल रैलियां चल रही थी। हाँ, मायावती इन सब सिस्टम पे ज्यादा विश्वास नहीं करती जी, वो सीधे संवाद करना की कोशिश करती हैं जी, और वो जिलों में जाके रोड शो भी नहीं करती, वो सीधे रैलियां हमेशा करती रही जी, तो वो अब मैदान में आ गई है पूरी तरह से। मायावती को हमेशा से एक बात का भरोसा रहा कि जो उनका दलित वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट है, उनके साथ जुड़ा हुआ, वो कहीं भाग नहीं रहा है और हर चुनाव में उनका वोट परसेंटेज ये बताता है कि उनका वोट बैंक उनके साथ है जी। तो नुकसान और नफा अब ये ज्यादा मायने मायावती के लिए रखता नहीं जी। है वो इस कोशिश में तो है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक विधायक गिराए जाए, लेकिन परिणाम तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए यहाँ पर 10 मार्च को नतीजे होंगे, उससे पहले पूरा जोर दिखा दिया बसपा पार्टी भी दिख रही है, मायावती खुद अब यहाँ पर लोगों के बीच में होंगी, यानी कि अब हम समझ लें कि एक के बाद एक बसपा की तरफ से भी रैलियां आयोजित की जाने लगेंगी और वो भी शायद हमलावर दिखे, उन पर आरोप तो लगते रहे कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन देखना होगा कैसे वो निशाना साधेंगे। अब मायावती 28 तारीख से चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 300 लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं जी, तो चाहे उसमें नुक्कड़ सभा करें चाहे रैली करें। मायावती वर्चुअल कोई रैली कर नहीं रही, उनकी पार्टी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, तो वो अब आगरा में 2 फरवरी को पहली बड़ी रैली करने जा रही हैं, वहां से वो मीडिया के माध्यम से भी संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को जी, और पहला चरण है
जिसमें ये पश्चिम का इलाका है, और मायावती एक जमाने में इस इलाके में बड़ी वोट हासिल करती रही है, काफी सीटें जीतती रही है बड़ी तादाद में। तो आगरा में भी कई सारी सीटें हैं जहां पर उनकी अच्छी उपस्थिति है, उसके आसपास चाहे बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, ये सब सबके नेता वहां बुलाए जाएंगे रैलियों में। और मायावती ये संदेश देंगी कि चुनाव प्रचार में तेजी से लगी है, और वो भी खुद भी लगातार रैलियां करेंगी जिस तरह से आयोग अनुमति देगा। जी जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जब भी कोई बड़ा चेहरा चुनावों से पहले शुरुआत करता है अपने रैलियों की, तो जिस भी जगह को वो चुनता है उससे कहीं ना कहीं उसके जो लिंकअप होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। अगर आगरा देखें तो मायावती ने अगर इसको चुना है तो इसको किस वजह से उन्होंने चुना होगा? पहले चरण में जहां 58 सीटों पर मतदान होना है तो मायावती ने उस इलाके को चुना है। हाँ। और आगरा से लेके मथुरा और आपका कासगंज, अलीगढ़ और जितना दिल्ली का इलाका है, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, ये सब इलाके को वो टच करेंगी, लगातार वो चुनाव प्रचार करेंगी। क्योंकि 28 से अनुमति मिली है और 2 तारीख को उन्होंने अपनी रैली पहली फिक्स कर दी है। अब वो कोविड नियमों का पालन करते हुए रैली की बात कह रही हैं, तो स्वाभाविक है कि ये मायावती का भी और रैलियों का ऐलान होगा। और ये जो पहला चरण है इसका 10 फरवरी को मतदान होना है, तो 8 तारीख तक प्रचार वो कर सकती हैं, तो 2 से लेके 8 के बीच में वो चाहेंगी तो 5-6 रैलियां कर सकेंगी। स्वाभाविक है कि मायावती अब निकल पड़ी है मैदान में, वो अपने वोट बैंक को बचाने के साथ साथ विधायक अधिक से अधिक जिताने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो फिलहाल मायावती की ये रैली होगी अब आगरा में, ये रैली और इससे शुरुआत बीएसपी कर रही है, और कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ से मायावती भी अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती नजर आएंगी। तो 2 फरवरी को मायावती की रैली, जिसको लेकर तैयारियां बसपा कार्यकर्ता भी करते नजर आ रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठकों का दौर खत्म नहीं।